Dear students, today we will start chapter 6. We will start with introduction of chapter 6. So, first of all of you must know what are collinear points. In previous classes, you have studied that if three or more points lies on same line, agar ek hi line pe तीन एक दो तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स होते हैं उन सभी पॉइंट्स को हम कहते हैं को लीनियर पॉइंट्स. ऑल पॉइंट्स विच आर ऑन सेम लाइन आर कॉल्ड कोलीनियर पॉइंट्स. नेक्स्ट, दिस इज हाउ ए एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन टू आर्म्स और टू रेज. सो दिस डिस्टेंस बिटवीन two arms is always called angle and these rays are called arms and this point is called vertex. So you must know what is vertex, where angle is formed and what is arm of a angle. Now all of these things you have studied in your previous classes. Next, all of you know that what is a right angle. A angle of 90 degree is said to be a right angle. After that, all of you know what is a acute angle. An angle which is greater than 0 and less than 90 is called an acute angle. Next is obtuse angle. An angle which is greater than 90 degree and less than 180 degree is called obtuse angle. Again, right angle which is of 90 degree. Acute angle is always greater than 0 but less than 90. Obtuse angle is always greater than 90 but less than 180. Next is, what is straight angle? So a straight angle is of 180 degree. कोई भी एंगल जो 180 डिग्री का होता है उसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं. एन एंगल विच इज ऑफ 180 डिग्रीज इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल. ए एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल इफ इट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्रीज इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्स एंगल. एक्चुअली दिस कॉन्सेप्ट इज विल बी यूज्ड इन सम क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल, if we have an angle A, this is a straight line and this arm M, this is ray N. If this is angle 1, then this, what is the reflex angle of 1? Angle starting from here and that ends at this point. This complete angle is called reflex angle of 1, or you can say that sum of angle 1 and its reflex angle will be always 360 degrees. What I am saying is that angle 1 plus reflex of angle 1 is always 360 degree. Kisi bhi angle और उसके रिफ्लेक्स एंगल का सम ऑलवेज 360 डिग्रीज होता है. नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. एनी टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ सम ऑफ दोज टू एंगल्स इज 90 डिग्रीज. अगर किन्हीं भी दो एंगल्स का सम
90 डिग्रीज होता है देन वी कैन से दोज एंगल्स एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. वो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्रीज होता है टू एंगल्स, दोज टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स. दोज टू एंगल्स सम ऑफ हुम हुज इज 180 डिग्रीज. इफ देर आर एनी टू एंगल्स और उनका सम 180 डिग्रीज होता है तो उन एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं. नेक्स्ट इज एडजेसेंट एंगल्स. व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स? इफ टू एंगल्स आर मेड ऑन सेम वर्टेक्स एंड देर इज ए कॉमन रे बिटवीन देम लाइक दिस देन एंगल वन एंड एंगल टू आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स. इन एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं. सो नेक्स्ट वी हैव इफ देर इज ए रे एंड दिस इज आर्म, दिस इज एंगल वन एंड दिस इज एंगल टू. इफ टू एंगल्स आर फॉर्म्ड ऑन ए लाइन विच आर एडजेसेंट टू ईच अदर, बोथ ऑफ दीज एंगल्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर, सो दीज टाइप ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, यू हैव टू लर्न इट, रिमेंबर इट, दैट सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री. एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज ऑलवेज 180 डिग्री. यू हैव टू मेमोराइज इट. इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर फॉर्म्ड ऑन ए रे और लाइन देन सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री एंड सच पेयर ऑफ एंगल्स इज कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट एनी पॉइंट, लेट अस से ओ, ओके लेट अस से पी. इफ दीज टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ए पॉइंट पी सच दैट एंगल्स आर फॉर्म्ड इन दिस वे. So, these opposite angles, angle 1 and angle 2, angle 3 and angle 4, so, these angles are called vertically opposite angles. Angle 3 is vertically opposite to angle 4 and angle 1 is vertically opposite to angle 2. And what most important thing is that you have to keep in mind that make star, because it is most important, angle 1 is always equal to angle 2, angle 1 is always equal to angle 2 and angle 3 is always equal to angle 4, angle 3 is always equal to angle 4, because vertically opposite angles are always equal. This is your theorem actually. 6.1. These vertically opposite angles are always equal. That's why angle 1 is equal to angle 2, angle 3 is equal to angle 4. For example, if value of angle 1 is 120 degrees, then value of angle 2 is also 120 degrees. If value of angle 3, for example, let us say, it's 60 degrees, then value of angle 4 will automatically be 60 degrees because these are vertically opposite angles.